हेलो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इंटरफ्रेंस ड्यू टू थिन फिल्म। आज हम उसी की एक एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि जैसे किसी भी थिन फिल्म में हमें पता है कि इंटरफ्रेंस कैसे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो थिन फिल्म है उसमें कितना रिफ्लेक्शन होगा। और जनरली हमें जो थिन फिल्म्स नॉर्मली ग्लास प्लेट्स यूज़ करते हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन मिलता है उसको हमें अवॉइड करना होता है कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए। अगर हम बात करें कि हमारा जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल के ऊपर ग्लास प्लेट लगी हुई है, अगर वहाँ से सनलाइट आके वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी या फिर वहाँ पे अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा तो इसका मतलब लाइट ट्रांसमिट कम कर पाएगी। और लाइट अगर ट्रांसमिट ही कम करेगी, सोलर पैनल्स तक ही लाइट कम पहुँचेगी, तो लाइट का कन्वर्जन कम होगा। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो लाइट पैनल पे गिर रही है वो मैक्सिमम ट्रांसमिट हो, ना कि टॉप ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो। ऐसे ही अदर एप्लीकेशंस होती है, हमारी जो ऑप्टिकल मेजरमेंट्स हम करते हैं उनमें जो ग्लासेस, जो लेंसेज यूज़ करते हैं, उन लेंसेज में भी हमें चाहिए होता है कि रिफ्लेक्शन कम से कम हो। तो इसका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में हमें रिफ्लेक्शन मिनिमम चाहिए। जितना मिनिमम हो सके हम वहाँ पे रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज़ करना चाहेंगे। वहाँ पे हमारी जो इंटरफ्रेंस टेक्निक है वो बेस्ट टेक्निक है, और इस टेक्निक की हेल्प से हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करके रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि कोई भी थिन फिल्म है उसको नॉन रिफ्लेक्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये हमारी एक थिन फिल्म है। मैं यहाँ पे कह देती हूँ ये ए बी, जिसको मैंने नाम दिया है, ये ए बी एक थिन फिल्म है। इस थिन फिल्म के टॉप पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू वन है, बॉटम पे म्यू टू है। और हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि म्यू वन हमारा लेस है म्यू टू के से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये इंसिडेंट लाइट है, और इस इंसिडेंट लाइट का ए आई एम्पलीट्यूड है। अब इंसिडेंट लाइट को हम नॉर्मली इंसिडेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस जब लाइट का यहाँ पे होता है विद ए आई एम्पलीट्यूड, तो वो कैसे हो रहा है, वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंस हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट इस लाइट का ट्रांसमिट होगा, कुछ पार्ट इस लाइट का रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने मान लिया कि जो ए आई इंसिडेंट एम्पलीट्यूड था उसका टी फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो गया है एंड उसका आर फ्रैक्शन है वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे हमने माना है आर एंड टी आर द फ्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड विच इज़ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रिस्पेक्टिवली, कि जो ए आई इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड था उसका आर पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है, टी पार्ट है वो ट्रांसमिट हो गया है। तो अब यहाँ पे हमारे इस रिफ्लेक्शन का जो फैक्टर है एंड ट्रांसमिशन का जो फैक्टर है, इन दोनों को अगर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू ए आर बाई ए आई एंड टी इक्वल्स टू ए टी बाई ए आई। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तीन कंपोनेंट है, ए आई, ए आर एंड ए टी। ये क्या है, ए आई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ए आर इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, कि कितनी लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है उसका एम्पलीट्यूड। तो हम कह सकते हैं आर ए आई इक्वल्स टू ए आर, एंड ए टी इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, मतलब टी ए आई इज इक्वल्स टू ए टी, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसका एम्पलीट्यूड। तो तीनों लाइट्स के हमारे एम्पलीट्यूड हैं उनको हम इस टाइप से इन फॉर्मूलाज में लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारी जो थर्मोडाइनमिकल रिलेशन है वहाँ से हम इन एम्पलीट्यूड को, ये जो दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन एंड म्यू टू, इनके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका एम्पलीट्यूड आता है म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू इंटू ए आई, ठीक है। मीन्स इंसिडेंट लाइट के एम्पलीट्यूड के साथ रिफ्लेक्टेड लाइट के एम्पलीट्यूड को हम कोरिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम देखें यहाँ पे टॉप पे हमारा क्या है, म्यू वन माइनस म्यू टू, एंड म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, इट मीन्स ए आर जो मिलेगा हमें यहाँ पे, उस ए आर की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। ए आर की वैल्यू नेगेटिव मीन्स जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड था वो नेगेटिव है, और किसके रिस्पेक्ट में, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसका फेज पाई से इन्वर्ट हो गया है, कि अगर यहाँ पे हमारी इंसिडेंट लाइट इस टाइप से गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो फेज है वो पाई से इन्वर्ट हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि यहाँ पे देखो म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है, इस वजह से ये पाई का फेज डिफरेंस इन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट हम ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहें तो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट एम्पलीट्यूड दोनों को कोरिलेट करती है ये इक्वेशन, ए टी इक्वल्स टू टू म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को अगर हम कोरिलेट करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, ए आर अपॉन ए आई, ए आर अपॉन ए आई इज स्मॉल आर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को कोरिलेट करें तो यहाँ से हम टी को लिख सकते हैं 2 म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। तो ये इक्वेशन हमारे पास 5 एंड 6 इक्वेशन आ गई हैं। ये हमने फर्स्ट सिचुएशन ली थी जब हमने कहा था म्यू वन इज़ लेस देन म्यू टू। अब हम अगर ऐसा माने कि हमारी लाइट है वो रेयर मीडियम की बजाय डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लाइट है वो हमने अब ये टॉप मीडियम म्यू टू माना है, बॉटम मीडियम म्यू वन है, और अगेन यहाँ पे हमारा म्यू वन लेस है म्यू टू से, तो इसका मतलब क्या है, अब लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर एंटर कर रही है तो अगेन हमने ट्रांसमिशन का जो फ्रैक्शन है उसको टी प्राइम मान लिया, रिफ्रैक्शन का फ्रैक्शन है उसको आर प्राइम मान लिया। तो यहाँ पे हमारा ए आई जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है वो कुछ ट्रांसमिट हुआ कुछ रिफ्लेक्ट हुआ वापस, तो ट्रांसमिट हुआ उसको हमने लिख दिया टी प्राइम ए आई एंड रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम लिख दिया आर प्राइम ए आई। सिमिलर वे से जैसे हमने यहाँ पे R एंड T निकाला है, जब हम इस T प्राइम एंड R प्राइम के लिए सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, R प्राइम इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। अब यहाँ पे देखिए R प्राइम इज म्यू टू माइनस म्यू वन और म्यू टू माइनस म्यू वन इज पॉजिटिव बिकॉज म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। इसका मतलब क्या है कि जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है और रेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है उस केस में फेज इन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आर प्राइम फैक्टर है वो पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है वो हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है, बट जो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन है वो प्रीवियस सिचुएशन में जो रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन था उसके नेगेटिव के इक्वल है, कि वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड फ्रैक्शन था ये उससे फेस में इन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड फ्रैक्शन जो मिला हमें वो क्या मिला, 2 म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, और प्रीवियस केस में हमें मिला था 2 म्यू वन अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू, मतलब टॉप पे हमारा जो फैक्टर आ रहा है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है जहाँ से हमारी लाइट एंटर कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस टी टी प्राइम, अगर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 8 दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर ऐसा करके हम इसको सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आया म्यू वन माइनस म्यू टू होल स्क्वायर अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू होल स्क्वायर। अब ये म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू व्हाट इज दिस, दिस इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्शन कोफिशेंट, जो रिफ्लेक्शन के टाइम हमें जो फैक्टर मिला था वो था ये, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1 माइनस टी टी प्राइम इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये है आपकी स्टोक्स थ्योरम। ये जो फैक्टर है ये फैक्टर हमें क्या बताता है, ये फैक्टर हमें बताता है हमें रिफ्लेक्टिविटी फ्रॉम ए गिवन सरफेस, कि किसी भी सरफेस से कितनी रिफ्लेक्टिविटी है, कितनी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, उस फैक्टर को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिविटी कंपोनेंट है दिस आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन प्लस म्यू टू। देखो जो न्यूमिनेटर में हमारे फैक्टर है म्यू वन माइनस म्यू टू, इसका मतलब इस डिफरेंस को हम जितना कम करते जाएंगे उतनी ही रिफ्लेक्टिविटी हमारी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब हम जब भी कोई दो मीडियम लेंगे उन दो मीडियम्स के इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन कम से कम तब होगा जब दोनों मीडियम्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैच करेगा। अब हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि हमारे पास एक ग्लास प्लेट होती है एंड यहाँ पे हमारे पास है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है फिक्स है 1 एंड ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।
तो यहाँ पे म्यू वन एंड म्यू टू दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 0.5। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कम करें? हम ना ग्लास की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, ना एयर की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, बट इस गैप को कम करने के लिए हम यहाँ पे इन बिटवीन एक और लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कुछ भी जैसे यहाँ पे कहा म्यू जी, तो ये जो लेयर हमने इंट्रोड्यूस की, इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इन बिटवीन होगा 1 to 1.5। तो वो क्या करेगा, वो इस गैप को थोड़ा नैरो कर देगा। इस गैप को जितना हम कम करते जाएंगे उतना ही हम रिफ्लेक्शन रिड्यूस करते जाएंगे। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे इस पर्टिकुलर मेजरमेंट को यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। तो जैसे हमने देखा कि रिफ्लेक्टिविटी को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे इंटरफेस पे बीच में एक ऐसी लेयर इंसर्ट करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों मीडियम्स के बीच में लाई करें। तो अब हम इसको क्वांटिटेटिवली समझते हैं कि लेयर जो हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए एंड कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये एयर है हमारी, ये ग्लास है, इसके बीच में एक लेयर इंसर्ट कर दी जिसकी टी थिकनेस है एंड इसका म्यू एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब ये जो म्यू एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें इस टाइप से लेना पड़ेगा कि वो म्यू ए एंड म्यू जी दोनों के बीच में लाई करे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो म्यू जी है वो म्यू एफ है वो ग्लास से छोटा होना चाहिए एंड एयर से बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप का एक मटेरियल हमने यहाँ पे बीच में एक लेयर इसकी लगा दी है। अब हम यहाँ पे स्टडी करना चाहेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखो, लाइट है हमारी, फर्स्ट रे जैसे ही सोर्स से इस मीडियम के ऊपर फॉल होती है कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है जिसको कि मैं सेकेंड रे का नाम दे रही हूँ, कुछ पार्ट अंदर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है जिसको कि यहाँ पर थर्ड रे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जो यहाँ पे पार्ट आया, ये जैसे पॉइंट्स हो गए हमारे ए बी सी, जो बी पॉइंट से ये थर्ड रे आई, बी पॉइंट से कुछ पार्ट बैक रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया। जो पार्ट बैक रिफ्लेक्ट हुआ वो फर्दर आगे कुछ रिफ्लेक्शन शो करेगा बट कुछ पार्ट आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रे 2 and 5 है, इन दोनों रेज की सुपर इम्पोजिशन से हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। अब उस इंटरफ्रेंस पैटर्न को एनालाइज करने के लिए हमें इन दोनों रेज का पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। थिन फिल्म के लिए हम पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड मोड में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आता है, दैट इज इक्वल्स टू 2μFtcos R। म्यू एफ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, टी इज थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये है हमारा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। इसके साथ हम लैम्डा बाई 2 का फैक्टर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, दैट विल फर्दर डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपका जो बीम है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है या डेंसर मीडियम से। अब यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट बीम हमारी रिफ्लेक्ट होके हमें सेकेंड बीम मिली जो रिफ्लेक्ट हो रही है पॉइंट ए से, और जो पॉइंट ए जिस इंटरफेस पे है उसमें देखो म्यू ए इज़ लेस देन म्यू एफ, इसका मतलब इसके कंपेरिजन में ये मीडियम डेंसर है, तो जो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हुई वो पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगी। बट जो सेकेंड बीम हमें मिल रही है, आगे देखो थर्ड बीम मिली और थर्ड बीम फर्दर बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ पे मिल रही है, वो जब बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पे इस इंटरफेस पे अगर हम फिर से देखें तो म्यू एफ इज़ लेस देन म्यू जी, इसका मतलब फिर से बी पॉइंट पे भी एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ। तो अगर दोनों बीम हमारे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो जो लैम्डा बाई टू का फैक्टर था वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के इक्वल ही रहेगा। अब हम लेके चलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस कि ये रे हमारी नॉर्मल इंसिडेंट होती तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो काफ़ी स्मॉल होता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा काफ़ी स्मॉल हो गया, तो कोस आर की वैल्यू हमारी 1 हो गई। इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ तो पार्ट डिफरेंस मेरा आ जाएगा 2μFt। अब जो इंटरफ्रेंस की जनरल कंडीशन है उनको अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो फॉर ब्राइट फ्रिंजिस या फिर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हम कहते हैं पार्ट डिफरेंस मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने इस इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस को इक्वेट कर दिया एन लैम्डा से, एन की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3। एंड सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करें
तो ये जो पार्ट डिफरेंस है ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा। तो यहाँ पे इसके साथ इसको इक्वेट हमने कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि हमें रिफ्लेक्टिविटी मिनिमम चाहिए। रिफ्लेक्टिविटी मिनिमम मीन्स जो रेज वापस आ रही है वो वहाँ पे कम से कम रिफ्लेक्ट हों। कम से कम रिफ्लेक्ट तब होंगी जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। जब रिफ्लेक्टिविटी मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को यूज़ करेंगे। इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में अगर हम n को जीरो पुट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2μFT इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, एंड यहाँ से हमारे पास थिकनेस आ गई है इस मीडियम की लैम्डा अपॉन 4μF। अब देखो दिस इज थिकनेस ऑफ दिस मीडियम टी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4μF। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी एक मटेरियल लिया, जनरली यहाँ पे मैग्नीशियम फ्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड हमारा एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की तरह यूज होता है और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमारा होता है 1.38। तो अगर हम मैग्नीशियम फ्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम फ्लोराइड अगर हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो देखो μF हमारे पास फिक्स हो गया। अब ये टी थिकनेस डिपेंड करेगी लैम्डा पे, कौन सी लाइट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं कि उसकी रिफ्लेक्टिविटी हमारी कम से कम हो। लैम्डा पे डायरेक्टली डिपेंड है, लैम्डा जितना बड़ा होगा थिकनेस भी उतनी ही हमें ज़्यादा चाहिएगी उस लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि कम से कम बैक रिफ्लेक्शन हो। लैम्डा छोटा होगा तो थिकनेस भी हमें कम चाहिएगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक पर्टिकुलर लैम्डा की वैल्यू ली। लैम्डा अगर हमारा 6000 एंगस्ट्रोम है तो हमें ऑलमोस्ट 1.1 × 10⁻¹ की थिकनेस चाहिए इस मैग्नीशियम फ्लोराइड की रिफ्लेक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा थिन फिल्म की इंटरफ्रेंस जो है वो अंडरस्टैंडिंग हमें काफ़ी यूजफुल है एक नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए, कि ताकि रिफ्लेक्टिविटी किसी भी लेंस के सरफेस से कम हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन रिफ्लेक्टिंग थिन फिल्म एंड देयर एप्लीकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।